गुरुवारे हनुमान जयंती निमित्ते पालना अटल आश्रम में हनुमान दादा ने 45,000 किलो ना सवामणिया लाडू नो भोग धरावाशे, जेने लईने आश्रम में तड़ामार तैयारीओ शुरू करी देवाई छे। सूरत शहरना पाल खाते आवेल जूना अटल अखाड़ाना अटल आश्रम में 6 एप्रिले हनुमान जयंती की उजवणी करनार छे। सूरतमां दर वर्षे हर्षोल्लास साथे हनुमान जयंती की उजवणी कराय छे, तो सूरतना पाल खाते आवेल अटल आश्रम में पण हनुमान जयंती की उजवणीनी ताड़ामार तैयारीओ शुरू करी देवाई छे। पाल अटल आश्रम में हनुमान जयंती ने लईने 4500 किलोना सवामणी लाडूनो भोग भगवान हनुमानजी ने चढ़ावाशे अने भक्तोने प्रसाद तरीके वेचाशे, तो रसोईयाओ द्वारा मंगलवारे सांजथी ज लाडू बनावानी कामगीरी शुरू कराई हती, जे बुधवारे पण यथावत हती। ब्यूरो रिपोर्ट, समय मीडिया न्यूज, सूरत। अटल आश्रम, हनुमानजी मंदिर, महादेव मंदिर, पाल हजीरा रोड, अटल आश्रम, महंत विजय बटुगिरीजी। आओ मित्रों, आवतीकाले हनुमान जन्म उत्सव आज जयरे मनाई रहा हो त्यारे आज लाडू थी रो है, ये 4500 किलो एट 4500 किलो एक लाडू, जेनी अंदर 1300-1400 किलो जेवी चना की दाल से, 70 डब्बा जेव तेल से, 2000 किलो खांड से, सूको मेवो मिली कुल्ले 4500 किलो वजन आप लाडू तैयार थी रो है। आओ मित्रों, हनुमान जन्म उत्सवनी हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाओं। आ लाडू तो खाली प्रसाद रूप में वितरण करवामां आवे छे, अने ए प्लस 2000 किलो बूंदी गांठिया, दाल, भात, शाक, पूरी अने साश वगैरे, ए कम से कम 30,000-40,000 माणसों भोजन ग्रहण करी शके, प्रसाद ग्रहण करी शके एटली व्यवस्था हनुमानजी महाराजे करी छे। अने अमारा आयोजन करता ज कोई भक्त नथी, कोई महात्मा नथी, पण आयोजन करता ज हनुमान दादा छे, अने हनुमान दादा छे एटले ज आ वर्षोवर्ष प्रगति थई रही छे। अटल आश्रम आजे कम से कम 50 वर्ष मारा आवता वर्षे पूरा थाय, 49 वर्ष अटल आश्रम ने पूरा थई रह्या होय त्यारे आपणे आगला वर्षनो एक कार्यक्रम छे, भगवान हनुमानजी महाराज जीवता राखे तो ये अटल आश्रमना महंतनी पारिध तुला तेमज आपणे 50 वर्षे शुं मनाव्या छे, गोल्डन जुबली 50 वर्षे संतोना सानिध्यमां मनावानो कार्यक्रम विचार करी रह्यो छुं। ભગવાનની કૃપાથી આવતા વર્ષે પાછા આપણે આ કાર્યક્રમ લઈને મળશું। હનુમાન જયંતિ ઉપર આગલા વર્ષે 5000 કિલોનો લાડુ બનશે, મોટો કાર્યક્રમ છે। આવો આપણે અટલ આશ્રમમાં હનુમાન જન્મ ઉત્સવની તૈયારીઓ ચાલી રહી ત્યારે આપણે એમને આશીર્વાદ લેવા માટે આવો, પ્રસાદ ગ્રહણ કરી અને પાવન થઈએ અને દાદાના આશીર્વાદ લઈએ, આપણે આખા વર્ષમાં તંદુરસ્તી અને ધંધા રોજગારમાં ખૂબ જ બરકતી મળે એવી મંગલ શુભકામના સાથે મનશ્રી બટુગીરીજી, અટલ આશ્રમ, સુરત।